हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, बिना चाशनी का, बहुत कम समय में बनने वाला सूजी का हलवा। तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने लिए सूजी, और सूजी यहाँ पे बारीक वाली लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी है। तो मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है। हम एक ही कटोरी से मेजरमेंट करेंगे सभी का। तो मैंने इसी कटोरी से यहाँ पे लिया है ये घी, और सूजी और घी बराबर है। ये सभी कटोरी एक ही साइज की है। और ये मैंने लिए शक्कर। तो ये तीनों चीज़ मैंने सेम लिए, बराबर की है मतलब। और ये मैं ले रही हूँ केसर के कुछ धागे। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास केसर थी तो मैंने केसर लिए। अब मैं डालूँगी इसके अंदर दूध। दूध की जगह यहाँ पे आप पानी भी डाल सकते हो केसर के अंदर। और इसको हम मिला के और साइड में रख देंगे। अभी केसर से हमारे हलवे पे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, और खाने में भी इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है केसर से। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू लिए, किशमिश लिए और बादाम लिए। इलायची है तो इलायचियों को मैं कूट लूँगी और कूट के इनका पाउडर टाइप में बना लूँगी। तो अब हम लेंगे कढ़ाई, और सबसे पहले हम डालेंगे घी। तो मैं पूरा घी को एक ही साथ डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा घी डाल के और घी को बाद में डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा घी एक साथ में डाल दिया। अब हम ड्राई फ्रूट्सों को फ्राई करेंगे। पहले तो बादाम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने पहले बादाम डाली है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काजू, किशमिश, इन सबको मैंने साथ में डाल दिया है। और यदि हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें तो आप यहाँ पे 1 चम्मच घी में भी फ्राई कर सकते हो, या आप हलवे में सूजी के साथ भी इन्हें डाल सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इन्हें फ्राई करी है, और इनको निकाल लेती हूँ। सभी ड्राई फ्रूट्सों को मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है, और इसका खाने का टेस्ट इतना अच्छा लगता है जैसे भंडारे में हलवा बनाया जाता है, देवी पूजन में, कन्या पूजन में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने डाल दी यहाँ पे सूजी। तो सूजी को हम फ्राई करेंगे काफ़ी देर तक। और अभी ये सूखी सूखी लग रही है फ्रेंड्स, लेकिन ये जैसे जैसे सिकेगी वैसे ये घी छोड़ देगी। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच बेसन, और इसे हम अच्छे से सेकेंगे। बेसन से हलवा और भी अच्छा लगता है, और बेसन ज़रूर ऐड करें यहाँ पे, बेसन से ही हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हम सूजी को सेकेंगे। धीरे धीरे गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, और इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे सूजी सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखिए पहले से काफ़ी घी छोड़ दिया हमारे सूजी ने। इसमें घी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में सूखा ही दिखता है ये, और बाद में इस तरीके से घी छोड़ देती है। और यहाँ पे सूजी का हमारे का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से सिक गई है मतलब। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। और पानी मैंने हल्का सा गुनगुना करके डाला है, ठंडा पानी नहीं डाला है यहाँ पर। अब मैं गैस को स्लो रखूँगी यहाँ पर, और इसे तब तक मैं ऐसे हिलाती रहूँगी तब तक ये पानी पूरा सूजी सूखेगा नहीं सूजी के अंदर ही। गैस को स्लो रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। स्लो में क्या है, सूजी हमारे अच्छे से फूल लेगी। देखिए पहले से हमारा पानी काफ़ी सूख गया है, और अभी इसका कलर इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, तो वो मैं बताऊँगी आपको कब आएगा। और ये मैंने डाल दिया केसर वाला दूध, और अब डालेंगे इसके अंदर हम जो हमने शक्कर ली थी उसको। शक्कर से यहाँ पे बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, सूजी हलवा हमारा देखने में बहुत अच्छा दिखेगा। तब तक हम शक्कर नहीं डालते तो ऐसा लगता है कि कलर अच्छा नहीं आया, हलवा अच्छा नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पे शक्कर भी हमारे अच्छे से मिल गई है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उनको, तो सभी को मैं एक साथ में डाल दूँगी। और इसमें से मैंने कुछ रख लिए है जो हम बाद में डालेंगे ऊपर से। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जो हमने इलायची कूटी थी उसको, और इलायची को मैं थोड़ा लेट डाला फ्रेंड्स, आप इसे पहले ही डालें तब पानी डालें उसके बाद में। तो देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बना है। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर बजाएं, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
और देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बना है, एकदम दानेदार बना है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है जैसे मूंग का हलवा है ये। तो सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट एक ही कटोरी से करना है। यदि आपके पास सेम कटोरी एक ही साइज़ की चार कटोरी या तीन कटोरी है तो उन तीनों कटोरी में बराबर का सभी चीज़ें रख ले। तो मेरे पास एक ही साइज़ की थी तीनों कटोरी और मैंने सभी में बराबर का लिया था घी शक्कर और सूजी, ये तीन चीज़ बराबर की लेनी है। और पानी फिर एक कटोरी सूजी है तो तीन कटोरी डालना है, इसी का जरूर ध्यान रखना है। उससे ही आपका हलवा इस तरीके का बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा। तो देखिए मेरा हलवा बन गया है यहाँ पे और इस हलवे को अब मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पे मैं गैस बंद कर देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से दानादार सूजी का हलवा बना है। और फ्रेंड्स मेरे हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।